यस क्लास, टुडे वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अच्छे से समझेंगे बच्चे इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इसे डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। सपोज़ यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा और ये इसका फील्ड है, जहाँ जहाँ तक ये इसका फील्ड है। ठीक है, जैसे एक मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेट रख दें उसका भी एक फील्ड होता है कि वहाँ से वो किसी कील को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, यहाँ तक केवल इसका इलेक्ट्रिक फोर्स है। और एक हमने लिया है टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, दिस इज़ द टेस्ट चार्ज। क्लियर? दिस इज द पॉजिटिव, ये है सोर्स चार्ज, इसको मैंने कहा सोर्स चार्ज। क्लियर? अब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का बच्चों एक चीज और याद रखेंगे, नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होता है और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होता है ना? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और कहाँ पहुँचती हैं, नेगेटिव पर पहुँचती हैं, इसलिए नेगेटिव से आउटसाइड। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे होगा बाहर की तरफ, ऐसे। और जैसे ही हम टेस्ट चार्ज को लाएंगे, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है, तो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा क्योंकि रिपेल करेगा। फिर हमें टेस्ट चार्ज और जितना टेस्ट चार्ज, जितना फोर्स एग्जर्ट होगा जितना टेस्ट चार्ज पर, तो टेस्ट चार्ज पर, सॉरी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, कौन सा फोर्स है, द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स किसके ऊपर, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, बस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है ना? पर यूनिट का मतलब है वन कूलम चार्ज के ऊपर जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, लगता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट, ये फॉर्मूला है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, एक पॉइंट हम बच्चों और समझेंगे। हम ऐसे भी लिखते हैं एक फार्मूला, तुम्हें एनसीईआरटी में ऐसे मिलेगा, लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू जीरो और एफ अपॉन क्यू नोट। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस फार्मूला, तो ये भी हम देख लेते हैं। फार्मूला सेम है, लेकिन मैंने कहा टेस्ट चार्ज टेंड्स टू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो के लगभग है, जीरो नहीं बोला मैंने, ठीक है, क्यू नोट टेंड्स टू जीरो, क्योंकि क्यू नोट पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वैल्यू ना के बराबर है। क्यों क्यों ऐसा किया? अगर ये जो टेस्ट चार्ज है क्यू नोट, इसकी वैल्यू भी इसके इक्वल होगी तो यहाँ पर इसका फील्ड भी आ जाएगा, तो दोनों का फील्ड एक दूसरे को डोमिनेट करेगा, फिर हमें इसका फील्ड नहीं मिल पता लगेगा कि इसका फील्ड कितना है। ठीक है, अब तो ये भी अपना फील्ड कर रहा है और ये जब यहाँ से लाओगे ये भी अपना फील्ड कर लेगा, ऐसे करके और पास लाओगे ये आपस में इंटरसेक्ट करेगा दोनों का फील्ड। ठीक है, सुपरपोज करेगा यहाँ पर, क्लियर, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो एग्जैक्ट इसका फील्ड नहीं मिलेगा, इसलिए हम लिखते हैं लिमिट्स क्यू नोट को जीरो के लगभग, जिससे हमें पता लग जाए कि क्यू नोट बहुत छोटा है, क्यू नोट इज वेरी स्मॉल टेंड्स टू जीरो, सो दैट इट्स फील्ड, इसका फील्ड does not dominant electric field of source charge, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है ना, ये इस बात को important point है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, इसकी ऐसा unit क्या होगी, यहाँ से देखते हैं, force माने newton, charge माने coulomb, तो ऐसा unit, ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। ठीक है, दिस इज द ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम। आगे देखते हैं बच्चों, क्लियर,
ये हमने ऐसा यूनिट लिखी न्यूटन पर कूलम। अब हम ये किसके इक्विवेलेंट है देखते हैं, न्यूटन पर कूलम क्लियर, इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। डायमेंशन करा दीजिए ज़रा, डायमेंशन कितनी होगी, फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू एफ क्यू नोट क्लियर। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। क्यू नोट क्या है, चार्ज है, चार्ज माने कूलम, और यहाँ पर लिखी एम एल टी माइनस टू, और कूलम यहाँ से देखेंगे कूलम किसके होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो यहाँ पे ले जाएंगे Q इज इक्वल टू आई टी, चार्ज कूलम, I की क्या, I माने एम्पियर, T माने टाइम, और ये चार्ज का कूलम, तो वन कूलम किसके इक्वल है, एम्पियर टाइम, क्लियर है ना। Q यहाँ रखा, आई टी यहाँ रखा, आई टी यहाँ पर आ गया, I माने A, तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया। अब T को ऊपर ले जाऊँगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का, क्लियर है ना, तो ये हो जाएगा माइनस के थ्री, टी के माइनस के थ्री हो जाएंगे, तो ये आएगा एम एल टी माइनस थ्री, और ए ऊपर जाएगा ए माइनस वन। दिस इज़ द डायमेंशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट जो है पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम ये तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं पूछता हूँ कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिंगल चार्ज और पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, क्लियर, इसको भी अच्छे से समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिंगल चार्ज। चलिए, और ये फार्मूला हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हर जगह फार्मूला यूज़ होगा, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज या पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सिंगल में, तो लगता है कि ये डेरिवेशन बच्चों हमें करना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन क्योंकि इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अभी हम पूरी जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। पहले भी हमने लिखा था Q एक सोर्स चार्ज था, R डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज Q नोट रखा, दिस इज़ द फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज, ये इसका फील्ड है, ठीक है। O पॉइंट पर हमने Q को रखा है और R डिस्टेंस पर एक Q नोट टेस्ट चार्ज है, क्लियर। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड R डिस्टेंस पर कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने लिखा कंसीडर आ सोर्स चार्ज, एक सोर्स चार्ज है ये एट ओरिजिन ओ, ओ पे रखा है, एंड एट डिस्टेंस आर पे अनदर, ये कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, अनदर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड, ठीक है। अब हमें याद रखना है दोनों चार्ज किस में है, रेस्ट में है, दोनों पॉइंट चार्ज हैं, क्लियर। तो क्या यूज़ करेंगे, जब दो चार्ज होंगे वो भी रेस्ट में होंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कूलम्स लो, ठीक है। तो कूलम्स फोर्स निकाल लेंगे बीच में, दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो बाय कूलम्स लो, बस हम तो इतना ही कर सकते हैं, बस इसमें ये ही लगेगा, एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला था, ठीक है ना, ये हमारा फार्मूला था, ऐसा हमने किया, क्लियर। आगे देखते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देयरफोर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय,
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा? अब यहाँ से हम समझते हैं, तो E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर देंगे, ये क्या है, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये तो रख दिया एफ की वैल्यू, क्लियर है। अब क्या बचता है, बचता ये है, ये क्यू नॉट जो है, क्यू नॉट उठा के यहाँ रखा, इससे ये कट गया, वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बच्चों फार्मूला है, और ये फार्मूला इतनी हेल्प करने वाला है हमारी, ठीक है, जहाँ पर भी सिंगल चार्ज होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू एट एन इक्विटोरियल पॉइंट, सिंगल चार्ज का सब जगह यही फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, क्लियर। चलिए ये क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, अब देख शुरू करते हैं सब। अभी हमने देखा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसकी एसआई यूनिट हमने निकाली न्यूटन पर कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ आ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। लास्ट में हमने लिखा नहीं था, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी फील्ड हैं सब वैक्टर क्वान्टिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ए वैक्टर क्वान्टिटी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है वैक्टर क्वान्टिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन ये होती है जिधर से सोर्स चार्ज, जिधर पर, जिधर से टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है, फोर्स कहाँ से लग रहा है, सामने से लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, क्लियर है। चलिए अब बच्चों अब शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। यहाँ से हमने पहले लिखा है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब बिल्कुल अच्छे से समझते रहें, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आप समझोगे तो डेरिवेशन काफ़ी इजी लगेंगे। डाइपोल का मतलब डाई माने लग रहा है टू, पोल माने लग रहा है, पोल होते हैं जैसे कि नॉर्थ साउथ पोल, तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये डाइपोल है, माइनस का क्यू चार्ज प्लस का क्यू चार्ज, ठीक है ना, और बीच में दोनों के डिस्टेंस होना मस्ट है, क्लियर। ये हमें लग रहा है बच्चों, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ये टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, दैट इज 2A, और एल बी ले सकते हैं, 2L बी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि भाई बीच का सेपरेशन 2A होना चाहिए, ऐसे मैंने लिखा, तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि मैंने लिख दिया है कि बीच का डिस्टेंस 2A होना चाहिए, हम तो L ले सकते हैं। 2A का तो इसलिए लिया है, जब हम इसका मिड पॉइंट लेंगे तो ये A हो जाएगा और ये A हो जाएगा, अगर मैं इस पूरे को A लेता हूँ पूरे को, तो ये A बाई 2 होगा, ये A बाई 2 होगा, फिर न्यूमेरिकल में वैल्यू A बाई 2 हाफ करेंगे तो वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, वरना तो हमने एल भी लिख सकते हैं, लिखा हुआ है, क्लियर है ना। चलिए इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हो गया बच्चों। अब आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अब हम बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल स्ट्रेंथ, ठीक है, एक एक के ही इतने नेम हैं, ठीक है, क्लियर है, काम एक ही है, भगवान एक ही है, नाम नाम अलग अलग हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक
डाइपोल इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल स्ट्रेंथ। अब बच्चों क्या है इसको भी देखते हैं। हमने देखा कि माइनस क्यू, प्लस क्यू और डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच का 2a, दिस इज द, अब माइनस क्यू इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ ऐसे करके, प्लस क्यू इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों के फील्ड होंगे, तो किसी पॉइंट पर दोनों फील्ड की मिलाकर स्ट्रेंथ कितनी है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फिर समझेंगे, ये नेगेटिव चार्ज है इसका भी फील्ड होगा ऐसे करके, भाई कहाँ तक भी हो सकता है, डिपेंड करता है इस पर चार्ज कितना है ना, इसका भी फील्ड होगा ऐसे करके। तो मैं, मुझे यहाँ देखना है, तो यहाँ पर इसका फील्ड भी आ रहा है नेगेटिव का, पॉजिटिव का भी आ रहा है, तो मुझे यहाँ निकालना है। तो यहाँ पर मैं देखूँगा कि इस डाइपोल की दोनों चार्ज की मिलाकर यहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, कितनी इसमें इंटेंसिटी है, कितनी इसकी पावर है दोनों चार्ज की मिलाकर, तो दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो किसका ही मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, एंड सेपरेशन बिटवीन देम, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है ये, एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, दैट इज पी से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है क्यू इंटू टू ए, ये फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और चार्ज ऐसा यूनिट देखते हैं, ऐसा यूनिट इज चार्ज फॉर कूलम, ए फॉर डिस्टेंस, मीटर, ठीक है। और क्या है ये, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, देयरफॉर इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये है बच्चों डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे है, नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब मैं बताऊंगा नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होने का मतलब क्या है, ठीक है। न्यूमेरिकल में याद रखना इस पॉइंट को, क्योंकि न्यूमेरिकल इजी तरीके से हम सीखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं। जैसे हमने किया था किसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के किए थे, है ना, ओके। तो ये हमने देखा यहाँ तक, और अब हम शुरू करने जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जो पेपर में मोस्टली 90% चांस होते हैं या तो वो डेरिवेशन आने के, क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन इक्विटोरियल पॉइंट, ऐसे हम निकालेंगे, ठीक है।